खबर मथुरा से है, यहां पीएफआई एजेंट्स की जमानत याचिका पर सुनवाई। एडीजी कोर्ट ने 4 नवंबर को तारीख सुनवाई की तारीख तय की है। एसटीएफ ने साक्ष्य संकलन के लिए मांगा है कोर्ट से और वक्त। मसूद और आलम की जमानत याचिका पर आज बहस हुई। मथुरा जेल में बंद है पीएफआई के 4 एजेंट्स। सभी आरोपियों पर हाथरस में दंगा फैलाने का आरोप है। हाथरस जाते वक्त हुई थी 4 एजेंट्स की गिरफ्तारी। जी हां, जिस वक्त हाथरस का पूरा मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ था, उसी दौरान ये चारों लोग जो अलग अलग इलाकों से थे वो हाथरस पहुंचना चाहते थे और एसटीएफ के पास या यूं कहे पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो दंगा फैलाने का काम करना चाहते हैं। मातुल हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी। मातुल ये बताइए कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, अभी फिलहाल क्या दलीलें जो पेश की गई हैं उससे कोर्ट संतुष्ट है? जी मैं आपको बता दूं, एडीजी 10 के यहाँ आज मसूद और आलम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस जो मामले की पूरी जांच एसटीएफ कर रही है, उन्होंने जज के सामने एक अर्जी देकर ये समय मांगा कि हमें 4 तारीख तक का समय दिया जाए जिससे इनके खिलाफ जो एजेंट है जो गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ और साक्ष्य इकट्ठा कर सके और हम 4 तारीख को इनके खिलाफ जो साक्ष्यों को पेश कर सके। इसी वजह से जो एडीजी 10 है उन्होंने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका 4 तारीख के लिए कर दी गई है। जी माधुरी ये भी हमें बताइए कि दरअसल चारों जो हैं क्या कुछ खुलासा हो रहा है, क्या कुछ मॉडस ऑपरेंडी इनकी रहने वाली थी, अगर ये हाथरस पहुंच जाते किस तरीके से ये बवाल मचाना चाहते थे, जातीय दंगा करवाना चाहते थे? ये बता दूं, ये हाथरस वाला मामला पूरी तरह से सुर्खियों में था। वहीं कई वेबसाइट जहां ऑनलाइन टीवी ने खुलासा किया था, कई वेबसाइट इनके द्वारा बनाई जा रही थी जहां जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। सवर्णों और जो दलितों की भी जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश, तो इसी सिलसिले होकर ये हाथरस जा रहे थे और इनके पास जब पुलिस ने आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए थे उसमें कई तरह के आपत्तिजनक साक्ष्य थे जिसमें साफ तौर पर यह साबित हो रहा था कि ये जो जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के लिए हाथरस जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर को मथुरा पुलिस ने इनको वहां पकड़ लिया था और उनके पास से कई आपत्ति साक्ष्य बरामद हुए थे। अब उनकी ये दो लोग हैं मसूद और आलम, उनकी जमानत याचिका आज थी, लेकिन एसटीएफ के समय मांगने के बाद इनकी जो जमानत है वो 4 तारीख तक के लिए टाल दी गई है क्योंकि एसटीएफ साक्ष्य इकट्ठा करने में लगे हैं किस तरह से इनके खिलाफ और साक्ष्य इकट्ठे हैं और वो अदालत में पेश करते हैं। जी अच्छा मातुल, पूरी तफ्तीश में अब तक क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि इनका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी था? ये अभी तक जो भी इस तरह की जानकारी का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आ रही है कि जिस तरह से इनका आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुआ वो जातीय हिंसा फैलाने का काम करने वाली थी, लेकिन और जो पॉलिटिकल पार्टी अभी तक उनसे लिंक इनका अभी तो साफ तौर पर मतलब सामने नहीं आ पाया है। जी जी और ये भी जानना चाहेंगे, ये 4 शख्स तो पकड़े गए लेकिन तफ्तीश के बाद क्या इनका कोई बड़ा नेटवर्क था और कहां से इन्हें हिदायतें मिल रही थी, ये बात भी क्या सामने आई? ऐसी चीज, ये जो जो 4 सदस्य पकड़ेंगे पीएफआई के सदस्य हैं और ये चारों लोग वहां से कुछ केरल के बहराइच के रामपुर के आदि लोग इकट्ठा होकर हाथरस जा रहे थे, तो पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो इनके लैपटॉप इनसे कई चीजें बरामद हुई, लेकिन इनके अलावा जो आपत्तिजनक साक्ष्य था जिससे ये जातीय हिंसा बढ़ सकती थी इस मामले को लेकर हाथरस मामले को लेकर उसको पूरी तरह से पुलिस ने माना और इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। उसी वजह से अब से ये जेल में है और ये जमानत याचिका अपनी बार बार लगवा रहे हैं, लेकिन एसटीएफ की साक्ष्य प्रस्तुत न करवाने की वजह से जमानत याचिका इनकी नहीं लग पाई है। जी बहुत शुक्रिया मातुल शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।